हेलो फ्रेंड, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 3 नवंबर के डेट में जो इंटरव्यू हुआ है सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षा का, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बताइए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यह योजना वित्तीय समावेश पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है और हर परिवार का एक बैंक खाता खोलना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना सबका साथ सबका विकास की हमारी विकास अवधारणा का अहम भाग है। एक बैंक खाता खोल जाने के बाद हर परिवार को बैंकिंग और कर्ज की सुविधाएं सुलभ हो जाएंगे। तो इससे दो तीन क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये बनता है। ये क्वेश्चन वैसे एक बार और पूछा गया था, पहले पूछा गया है, और इसलिए आप अच्छे से इसे पढ़ लेंगे और ध्यान देंगे अच्छे से। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, आइए आगे चलिए देखते हैं। जो लोग को PDF चाहिए तो वो लोग मुझे WhatsApp कर सकते हैं, तो कुछ पैसे पेमेंट करने होंगे आपको, फिर आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ देखिए कब से शुरुआत हुई थी, तो जनधन योजना की शुरुआत, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ देखिए 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना नामक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद पैन क्या है, तो पैन के बारे में बताना है कि पैन कार्ड अब क्या होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पैन, या स्थायी खाता संख्या 10 अंकों की एक अक्षरांकी संख्या होता है जिसे आयकर विभाग द्वारा एक लेमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। और पेन का उदाहरण देख लीजिए, इस तरह से रहता है। 5 अंक स्टार्टिंग में इंग्लिश का लेटर होता है, फिर 4 अंक आपका अंक होता है, और इसके बाद लास्ट लेटर होता है। तो इस तरह से पेन का ये डिटेल में मैंने बता दिया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर लेंगे, और वीडियो देखते के साथ ही आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। इसके बाद जो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है वो है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सॉरी भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रकवि। इसके बाद पूछा गया है, सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध है। तो सारनाथ, भगवान बुद्ध ने वहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था इसलिए सारनाथ प्रसिद्ध है। और इसके बाद पूछा गया है, CRR किसे कहते हैं। तो CRR किसे कहते हैं, किसी कमर्शियल बैंक को अपनी कुल जमा राशियों किसी कमर्शियल बैंक को अपनी कुल जमा राशियों का जो भाग नकदी के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है उसे CRR कहते हैं। इसके बाद पूछा गया है कंप्यूटर से ये क्वेश्चन है, लव बग क्या है। तो लव बग एक कंप्यूटर वायरस है। और विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर होने का गौरव किसने प्राप्त किया था। तो विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर होने का गौरव अजय पुरी ने प्राप्त किया था। इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट IC के जनक कौन है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट IC के जनक हैं जैक एस किल्बी हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ के बारे में आपको बताना है, गंगा है, यमुना है, गंडक है, गोमती है, सरयू है आदि। और ये देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एक बार और पूछा गया है, और इसलिए आप के लिए एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि पहले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उन सबसे कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होता है, तो वो दोहराया जाता है, तो आप लोगों के लिए वो फ़ायदा करेगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कानपुर है। इसके बाद पूछा गया जो क्वेश्चन है वो, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम बताओ। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस होता है, सारस है। और इसके बाद ये भी देखिए कई बार पूछा जा चुका है इंटरव्यू में ही, और लघु स्तरीय उद्योगों का विचार पहली बार किसके द्वारा लाया गया। तो लघु स्तरीय उद्योगों का विचार सबसे पहले औद्योगिक नीति प्रपत्र 1977 के द्वारा लाया गया था।
और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो, बार किसकी इकाई है? तो बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। और इसके बाद देखिए, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो, आपकी रुचि किस विषय में है? तो इसके बारे में आप लोग देखिए, ये कॉमन क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना होगा कि आपकी किस विषय में रुचि है। और वैसे कॉमन क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वो आप ज़रूर देख लें। और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू का मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किया है वो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दोहराया जा रहा है और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और आज के लिए बस इतना है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।